बाबा सोनू, केविन और रॉड सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पास गांव के लोग भाग कर आते हैं। बाबा बाबा, हमारी मदद करो। क्या हुआ? तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो और कहां से आए हो? हम पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में एक शैतान आ गया है, उसने सभी के घरों को जला दिया और इंसानों को खा रहा है। हमारी मदद करो। ठीक है, चलो देखते हैं उसे। बाबा, हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। हमें भी वो शैतान देखना है। मैं, केविन और रॉड आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलो। बाबा सोनू, केविन और रॉड और गांव के लोग उस गांव के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। बाबा, वो रहा शैतान, उसने तो आधे गांव को जला दिया और सब लोग डर के भाग रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है। भाग जाओ यहाँ से, ये गांव अब मेरा है, वरना मार दूंगा सबको। तुम सब यहीं रुको, मैं उसे अभी मार के आता हूँ। अच्छा, तो तुझमें भी थोड़ी बहुत शक्ति है, तो फिर ये ले। शैतान बाबा को बंदी बना देता है। रॉड, सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, हम इससे नहीं लड़ सकते। रॉड सोनू और केविन को लेकर भागने लगता है। हम बाबा को छोड़कर नहीं जा सकते, हमें बाबा को बचाना होगा। बाबा हमेशा हमारी मदद करते हैं। हम उस शैतान से नहीं लड़ सकते, वो बहुत खतरनाक है। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बाबा को बचा सकते हैं। मैं बाबा के दोस्त को जानता हूँ, हम उसी के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। वो सभी बाबा के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। सोनू बाबा के दोस्त को शैतान के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसने बाबा को बंदी बना लिया। उस शैतान के पास काली शक्तियाँ हैं, उसे हराने के लिए हमें एक जादुई शस्त्र लाना होगा। वो कहाँ मिलेगा? वो हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा है, वही मिलेगा, उसी से उस शैतान को मारा जा सकता है। ठीक है बाबा, हम उस शस्त्र को लेकर आएंगे। ध्यान रखना, वह बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, इतनी आसानी से वो नहीं मिलेगा। रॉड, केविन, सोनू उस शस्त्र को लेने के लिए हिमालय की ओर निकल जाते हैं। और वहाँ पहुँच जाते हैं। अले बाप ले, यहाँ तो कितनी ठंड है, चारों तरफ बलब ही बलब है। वो नहीं उस पहाड़ पर गुफा, शायद उसी में होगा वो शस्त्र, चलो चलते हैं। वो सभी गुफा के बाहर पहुँच जाते हैं, तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है। सावधान, अगर अंदर आए तो जलकर मर जाओगे। मुझे वो जादुई शस्त्र लेना है, मुझे अंदर आने दो। अंदर आने के लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा, अगर गलत उत्तर दिया तो तुम
बर्फ के गोले बन जाओगे। ठीक है, पूछो अपना प्रश्न। तो बताओ, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? रात को देखता है, सुबह तक चक्कर पूरा करके चला जाता है। चुप केविन, इसका उत्तर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है। सही जवाब। और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वे सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। उधर देखो, वहाँ कुछ है। अरे वो रहा शस्त्र, ये तो ब्रह्मास्त्र है, शक्तिशाली। तुम सब यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ उसे। सोनू ब्रह्मास्त्र लेने के लिए आगे जाता है, परंतु उसे पता नहीं कि आगे कितना खतरा है। लगता है मुझे इन पत्थरों पर पांव रखकर जाना होगा। अरे ये क्या, ये तो हिल रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। आखिरकार सोनू ब्रह्मास्त्र के पास पहुंच जाता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मास्त्र लेने के बाद वो सभी बाबा को बचाने के लिए उस शैतान के पास पहुंच जाते हैं। बाबा को छोड़ दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। तू मुझे मारेगा, ये ले। ओम नमः शिवाय। सोनू ब्रह्मास्त्र से शैतान को मार देता है और बाबा उस कैद खाने से आजाद हो जाते हैं। वाह सोनू, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे ही नहीं सभी गांव वालों को बचा लिया। आज तो मैंने तुमसे यही सीखा है, अगर कुछ करने की चाहत हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देता है और हम उसे हासिल कर सकते हैं।